हेलो क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो नोट्स का पेज दिखाई दे रहा है, ये आपके मैथ्स के नोट्स का पेज नंबर 5 है। इसके पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पेज नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए आपको एक शार्पनर हुई पेंसिल का यूज़ करना है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर देख पा रहे होंगे, आपको नेम और डेट का कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अब स्टूडेंट नेम विद सर नेम फुल नेम राइट करना है और डेट के कॉलम में आपको डेट राइट करनी है। क्वेश्चन हम रीड कर देख लेते हैं। नंबर अप टू 50, व्हाट नंबर कम्स बिफोर? यहाँ पर आपको 1 to 50 तक के नंबर्स दिए गए हैं, जिसके अंदर से आपको बिफोर नंबर राइट करना है। बिफोर नंबर यानी कि पहले वाला नंबर। आपको यहाँ पर काउंटिंग रीड करनी है और यह चेक करना है कि इसके बिफोर में कौन सा नंबर राइट होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको दिया गया है 25, तो आपको काउंटिंग देखनी है कि 25 बिफोर क्या आता है। तो 5 बिफोर होता है 4, तो 25 बिफोर हो गया 24। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 24। नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर राइट किया गया है 29, तो 29 बिफोर क्या होगा? 28। तो यहाँ पर हम ब्लैंक्स में फिल करेंगे 28। नेक्स्ट है 41, तो 41 बिफोर 40, यानी हमें उसे एक पहले वाला नंबर, जैसे कि 4 का बिफोर क्या होता है? 3, 2 का बिफोर 1, ऐसे हमें बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए इसे कंप्लीट करना है। जैसे 47 का हुआ 47, तो 7 का बिफोर 6, तो 46, ये उसका आंसर हुआ। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 46, 46। ऐसे ही करते करते आपको यह पूरा पेज कंप्लीट करना है। मैंने आपको ऊपर के 4 एग्जांपल्स राइट कर बता दिए हैं। आप पहले इन्हें रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे, आप अपने पेरेंट्स से चेक करवाएंगे। अगर वो करेक्ट आंसर सही है तो आप इन्हें वर्कशीट में फिल कर इस पेज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ आपका पेज नंबर 5 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फिल इन द मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपको वैसे ही दिया गया है। यहाँ पर कुछ नंबर्स राइट हैं और उसके आगे और पीछे या तो फिर बीच में जहाँ भी जगह खाली है, आप बिफोर नंबर भी आना चाहिए, आपको आफ्टर नंबर और बिटवीन नंबर। यहाँ पर आप बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, बिफोर यानी पहले वाला, आफ्टर यानी बाद वाला, बिटवीन यानी बीच वाला, ये सारे नंबर्स हमें यहाँ पर राइट करने हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है 77। अब देखिए 77 का बिफोर क्या होता है? 7 का बिफोर 6, तो यहाँ पर फर्स्ट में बिफोर नंबर उसका क्या होगा? 76। फिर यहाँ पर नेक्स्ट राइट है 77, फिर 77 के बाद क्या आता है? 78। तो हमें काउंटिंग बोल बोल के देखनी है और साथ में हमने राइट भी करना है। सेंटर में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें लिखना है बिटवीन नंबर यानी बीच वाला, तो 97 और 99 के बीच में क्या आता है? तो 97, 7 के बाद क्या आता है? 8, तो 97 के बाद आएगा 98 और 99 यहाँ पर राइट किया हुआ हमें दिया हुआ है। आपको पेंसिल शॉर्प करके राइट करना है। यहाँ पर हम राइट करेंगे 98। थर्ड यहाँ पर आपको दिया हुआ है 34, जिसके बिफोर में भी आपको राइट करना है और आफ्टर में भी। तो 34 बिफोर होता है 33 और 34 का आफ्टर होता है 35। नेक्स्ट है 17 और 19 आपको दिया हुआ है, तो 17 आफ्टर क्या होता है? तो आपको, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप 11 से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब देखिए 17 और 19 के बीच में आपने क्या लिखा? 18। तो आप यहाँ पर आंसर में क्या फील कर देंगे? 18। आप ऐसे काउंटिंग लिख कर या आप मुँह से बोलकर फिंगर्स पे काउंट कर आपको ये पेज कंप्लीट करना है। मैंने आपको 4 एग्जांपल्स बता चुकी हूँ। जैसे ये 4 एग्जांपल्स कंप्लीट हुए, आपको ऐसे ही काउंटिंग कर के, या आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप रफ कॉपी में काउंटिंग राइट कर भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका पेज नंबर 6 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज नंबर 7। आप पेज टर्न कीजिए और पेज नंबर 7 पर आ जाइए। वहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको दिया हुआ है ऊपर नेम का कॉलम और डेट का कॉलम। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम राइट करना है, डेट के कॉलम में आपको डेट राइट करनी है, आज जो भी डेट है।
नेक्स्ट है नंबर अप टू 40, यानी कि आपको यहाँ से 1 से लेकर 40 तक के नंबर्स दिए गए हैं, एंड व्हाट नंबर कम्स इन बिटवीन, आपको क्या राइट करना है, बिटवीन नंबर यानी बीच वाला नंबर, कि उस नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पर आपको दिया गया 26 एंड 28, तो आपको ये राइट करना है कि 26 के बाद यानी सेंटर में क्या आता है। तो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप 21 से भी काउंट कर देख सकते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब देखिए 26 और 28 के बीच में क्या आया, 27, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 27, ठीक। इसी के साथ मैं आपको एक और इजी वे बता देती हूँ, जैसे यहाँ 13, यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, तो देखिए 1 तो दोनों में सिमिलर है तो 1 तो आएगा ही सही। अब 3 के बाद क्या आता है, तो 1, 2, 3, 4, 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 1, 4, 14, तो 13, 14, 15। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 20 और 22, तो 20 के बाद क्या आता है, 21, 23 और 25 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 2 इन दोनों में सेम है, तो यहाँ पर भी हम पहले राइट कर देंगे 2। अब 3 और 5 लिखा हुआ है, तो 3 के बाद क्या आता है, तो 1, 2, 3, 4, तो 24, तो 23, 24, 25। नेक्स्ट 25, अब देखिए यहाँ पर भी आप 2 राइट कर दीजिए, 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 26, 26। ऐसे ही करते करते आपका ये पेज नंबर 7 भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। आप पहले से रफ कॉपी में कर देख लीजिए, अपने पेरेंट्स से चेक करवा लीजिए, अगर वो सही है तो आप इसे अब नोट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। डायरेक्ट नोट्स में लिखकर आप नोट्स ख़राब नहीं करेंगे। आपका पेज नंबर 7 कंप्लीट होता है, आप पेज टर्न करके पेज नंबर 8 पर आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑर्डिनरी नंबर्स दिए हुए हैं, ऑर्डरिंग नंबर्स 1 to 40 शीट 1। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पुट दिस लिस्ट्स टू नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी आपको इन नंबर, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनको रीअरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, यानी कि सबसे फर्स्ट आपको सबसे छोटा नंबर राइट करना है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, ओके। तो जिसके लिए आपको आपकी हेल्प करने के लिए ऊपर 1 to 40 तक की काउंटिंग राइट की करके दी हुई है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वहाँ से उसकी हेल्प से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं, हमको ए नंबर पर 21, 16, 24 और 8 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट राइट करना है कि सबसे फर्स्ट, अब आप इन नंबर्स को ध्यान रख लीजिए, 21, 16, 24 और 8। अब आप ऊपर से चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले जो नंबर आ रहा है वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे पहले आएगा वो सबसे छोटा है और उसे हमें सबसे पहले राइट करना है, यानी स्मॉलेस्ट की जगह पर। तो देखिए यहाँ है 21, 16, 24 एंड 8। अब हम यहाँ चेक करेंगे यहाँ सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सबसे पहले आया, क्या 8 हमारे पास है, यस वो हमारे पास है, इसलिए हम उसे राइट कर देंगे यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट की जगह पर 8, ओके। अब हमने इसे राइट कर दिया यहाँ पर 8। सेकंड है, अब 8 के बाद 21, हमारे पास क्या बचा है, 21, 16 एंड 24। अब हमें देखना है सेकंड पे क्या आता है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब क्या आया 16, यानी 8 के बाद क्या आया 16। अब बचा हमारे पास 21 और 24, तो 17, 18, 19, 20, 21, हमारे पास 21 आया, तो 16 के बाद हम क्या राइट करेंगे, 21, फिर उसके बाद 22, 23, 24, 25, तो 24, तो 24, 1 के बाद क्या आ गया 24, तो हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का फॉर्म क्या है, 8, 16, 21 एंड 24। ऐसे ही हमें नीचे वाला भी सॉल्व करना है, यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए हैं 12, 30, 17, 10, तो हम इसे देख लेते हैं कि सबसे फर्स्ट कौन सा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप नंबर्स ना कर आप काउंटिंग मुंह से बोलकर भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो सबसे पहले क्या आ गया 10, तो 10 हुआ सबसे छोटा, तो हम उसे यहाँ सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे 10।
देन फिर हम बचा 12, 30, 17, तो 10 के आगे हम काउंट करेंगे 11, 12, सेकेंड नंबर पे आ गया 12, थर्ड वाला हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्टली आ गया था 10, फिर आया 12, अब हमें 12 के आगे काउंट करना है 13, 14, 15, 16, 17, थर्ड यहाँ पर आएगा 17, और जो लास्ट में हमारे पास बचा है वो सबसे बड़ा नंबर है 30, 30। तो जैसे कि हमने ये दो कंप्लीट किए हैं, आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 5 डिजिट्स दिए गए हैं, केवल एक डिजिट बढ़ाया है, लेकिन उसे भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या 6 यहाँ हमें दिया है? यस। तो हमें 6 पर रुक जाना है और हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 6। आफ्टर दैट स्टार्ट काउंटिंग 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो जैसे कि मैंने अभी तक आपको फर्स्ट और सेकंड कराया और थर्ड कर रही हूँ, ऐसे ही करते करते आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। और आपके पेरेंट्स से पूछ कर अगर आपके आंसर सही हैं तो आपको ये नोट्स फील करने हैं। इसी के साथ आप इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में भी कर सकते हैं, और बुक्स में से भी आपको नंबर नेम, स्पेलिंग्स और काउंटिंग आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन सभी आना चाहिए।